पेश है प्राइम टाइम बुलेटिन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, इस फैसले से बौद्ध धर्म के विदेशों में रहने वाले अनुयायियों को कुशीनगर आने में आसानी होगी। उन्होंने कहा, थाईलैंड, जापान, मलेशिया, वियतनाम, श्रीलंका जैसे देशों से बहुत से अनुयायी यहाँ आना चाहते हैं। कुशीनगर महात्मा बुद्ध की निर्वाण स्थली है, इसलिए अब यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के तौर पर विकसित होगा। वहीं मंत्रिमंडल के इस फैसले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का आभार व्यक्त किया है। अब आरबीआई की निगरानी में सभी कॉपरेटिव बैंक, मोदी कैबिनेट ने दी अध्यादेश को मंजूरी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 1482 शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहुराज्य सहकारी बैंकों समेत सरकारी बैंकों को अब आरबीआई की सुपर विजन के तहत लाया जा रहा है। आरबीआई की शक्तियां जैसे अनुसूचित बैंकों पर लागू होती हैं, वैसे ही सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगी। मॉस्को में हुई विक्ट्री डे परेड में इंडियन आर्मी की तीनों सेनाओं की टुकड़ी ने लिया हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरान रहे मौजूद। राजनाथ सिंह ने विक्ट्री डे परेड में शामिल होने को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, भारतीय सशस्त्र बलों के जरिए इस परेड में हिस्सा लेने पर मुझे गर्व है। राजनाथ सिंह 3 दिवसीय रूस दौरे पर हैं। पिछले 3 महीनों में राजनाथ सिंह का ये पहला विदेशी दौरा है। भारत और चीन के मसले पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग जारी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक बार फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर सवाल दागे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने भारत की काफी जमीन पाकिस्तान चीन को हड़पने दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए ऐतिहासिक भूल की है। एक परिवार की गलतियों को पूरा देश भुगत रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर इलाके में हिंसा के आरोप में जेल में बंद शाहरुख पठान की जमानत याचिका की खारिज। जस्टिस सुरेश कैत की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान शाहरुख पठान के पिता की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया। शाहरुख ने अपने पिता के इलाज और ऑपरेशन कराने के लिए जमानत की मांग की थी। कर्नाटक सरकार का फैसला, प्राइवेट अस्पतालों में दिया जा सकेगा स्वैब सैंपल। सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में 66 प्राइवेट अस्पतालों या मेडिकल कॉलेज का नाम जारी किया गया है। जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में फीवर सेंटर और स्वैब कलेक्ट करने की अधिक जरूरत है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। चीनी माल के बहिष्कार के लिए कैट ने अंबानी, टाटा सहित 50 उद्योगपतियों को लिखा लेटर। कैट ने इसे लेकर कई मुख्यमंत्रियों, नेताओं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और क्रिकेट खिलाड़ियों को भी लेटर लिखा था। अब कैट ने मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गोदरेज, अजीज प्रेमजी, कुमार मंगलम बिरला और आनंद महिंद्रा जैसे 50 शीर्ष उद्योगपतियों को लेटर लिखा है। डीजल के बढ़ते दामों से खफा ट्रांसपोर्टर्स, कहा सरकार को सौंप देंगे चाबी। लगातार 18वें दिन बुधवार को भी डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। ईंधन के दाम में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी से नाराज दिल्ली के ट्रांसपोर्टर्स अब अपनी गाड़ियों की चाबियां सरकार को सरेंडर करने की योजना बना रहे हैं। दिल्ली गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ईंधन के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी से खासे नाराज हैं और उनका कहना है कि वो पहली बार परिवहन व्यवसाय में बड़ा संकट देख रहे हैं। कामाख्या मंदिर में हर साल होने वाले अंबुवासी मेले में भक्तों के प्रवेश पर लगी रोक। इस मेले के दौरान लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं, लेकिन इस बार पूजा अर्चना तो मंदिर में हो रही है, लेकिन भक्तों का मंदिर में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मंदिर का मुख्य द्वार बंद है। मंदिर के पंडितों ने बताया कि लगभग 450 पांडा कामाख्या मंदिर परिसर में रहते हैं। सभी की रोजी रोटी मंदिर में पूजा अर्चना करने पर ही निर्भर है। कोरोना की वजह से इस बार मंदिर बंद है, जिसकी वजह से हमें अपने परिवार का भरण पोषण करने में भी मुश्किल हो रही है। लॉकडाउन में अभी तो सब घर में बैठा हूँ, हम लोगों को तो इनकम सोर्स पूरा बंद हो गया। कोई जातिक दुश्मन आएगा तो पूजा पाठ करेगा तो उसी से हम लोग को परिवार चलाता है, फैमिली चलाता हूँ।
लेकिन अभी तो हम लोग को बहुत मुश्किल हो गया। अभी जितना जमा जुड़ी था वो भी खत्म होने का हो गया है। अभी सरकार से कोई मदद मिला है? उसमें तो कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं नहीं किया सरकार को। जम्मू ट्रेडर्स फेडरेशन ऑफ वेयरहाउस के अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर गलवान विवाद में शहीद हुए 20 जवानों को दी श्रद्धांजलि। यूपी के बदौही में चीन के साथ बॉर्डर पर हुए हमले में भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर विश्व हिंदू परिषद ने फूंका पुतला, चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंक कर किया विरोध और लगाए मुर्दाबाद के नारे। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई अनुष्का शर्मा की वेब सीरीज बुलबुल 18वीं शताब्दी के बैकग्राउंड में बनी हवेली में रहने वाली बुलबुल के इर्द गिर्द घूमती है बुलबुल की कहानी। वेब सीरीज का डायरेक्शन अन्विता दत्त ने किया है। बुलबुल में तृप्ति डिमरी, पाउली दाम, राहुल बोस, अविनाश तिवारी, परमव्रत चट्टोपाध्याय अहम रोल में हैं। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।